आतंकवादी हमला हुआ था, आप लोगों को सबको पता है पुलवामा अटैक ही बोला गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा टनल है। बहुत लग रहा है, देखो कब कब ना धल्दी है पूरा। शूज़ 80,000 के थे। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का बज रहा है 8, देख सकते हैं 8 बज, मतलब 9 बजने वाला है। और अभी हम लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो आज से कश्मीर का ब्लॉग स्टार्ट होता है, तो चलिए जाते हैं फटाफट। रेडी होकर, रेडी होगी हम लोग, स्वेटर पहनना है। और यहाँ का बजट देख सकते हैं बहुत सुंदर हुआ है, राइज हो रहा है धीरे धीरे। और बिल्डिंग अभी आज तो 9 बजे से गाड़ी आएगा, हम लोग निकलेंगे, चलिए फटाफट निकलते हैं। तो गाइस अभी अपने होटल से निकल रहे हैं, बेहू सब नीचे ले लिए हैं और जीजू लोग नीचे चले गए। तो गाइस अपना गाड़ी आ चुका है और गाड़ी में भी सब सामान पैकिंग हो गया और मैं अभी जा रहा है अपना सीट में बैठने के लिए। तो अभी सीट में मैं बैठ जाते हैं और अभी गाड़ी यहाँ से निकलेगा। तो चलते हैं अभी अपना, कौन सा जहाँ पर जाना था मैं तो भूल ही गया गाइस। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, जो पता है इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है ना, क्या बोलो गाइस। तो थोड़ा आप रास्ते का व्यू देखिए, फिर मैं आता है आपसे और कुछ बैकर वैकर करने के लिए। लोग अभी जो टनल में जा रहे हैं वो एशिया का सबसे बड़ा टनल है। तो इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो देखते हैं ये कितना बड़ा टनल है, क्योंकि मुझे बोला गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा टनल है। हम लोग फर्स्ट स्टॉपेज में रुक चुके हैं, यहाँ पर कुछ देर खाने वाने खाएंगे फिर निकलेंगे। और सामने ही एक टनल है, वहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद टनल में जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा है और अभी और तीन घंटा लगेगा। तो कुछ खा लेते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में, अच्छा ठंडा इधर बहुत ज़्यादा है, नीचे से बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। मैं अंदर स्वेटर पहना है, जंपर पहना है, टी शर्ट पहना है, शर्ट पहना है, तब भी ठंडा लग रहा है। उस टाइम आप देखिए थे मैं नॉर्मल शर्ट में था, अभी पूरा स्वेटर पहन लिया, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। यह रेस्टोरेंट चले आते, खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस मैं होटल में आया और यहाँ का पीछे का व्यू देखिए क्या मस्त है, क्या मस्त व्यू है ना। और बहुत ठंडा लग रहा है, देखियो कब कब ना धल्दी है पूरा। चलिए खाना दिखाते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर आलू का पराठा, चाय बुद्धि अपना मुँह दिखा, इसका हालत ख़राब है, टिकट करके खा लेते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस मेरा खाना हो चुका है और मैं कुछ टाइम पास के लिए कुछ ले लिया खाने के लिए, और मैं अभी जा रहा है गाड़ी में रख के आने, फिर मेरे को बाथरूम लगाए, मैं बाथरूम में कर लेता है। A few moments later. तो गाइस मैं यहाँ का टेम्परेचर दिखाता है कितना है यहाँ पर, अभी मतलब क्या डिग्री चल रहा है, चल रहा है यहाँ पर अभी ठंडा ज़्यादा लग रहा है। तो निकलते हैं अभी।
सो गाइस अभी हम लोग जो पार कर रहे हैं वहाँ पर कुछ साल पहले बहुत बुरा आतंकवादी हमला हुआ था। आप लोगों को सबको पता है पुलवामा अटैक यहीं पर हुआ था, इसी रास्ता में हुआ था। तो एक बार वो शहीद को हम लोग दिल से याद कर लेते हैं और आगे फिर चलते हैं अपने मंजिल पर। अभी है लेतोपुरा, यहाँ पर ओरिजिनल केसर का फार्मिंग होता है, तो मैं आपको दिखाएगा थोड़ा देर में। और यहाँ पर खाली ड्राई फ्रूट का दुकान है चारों साइड, बस ड्राई फ्रूट, ओरिजिनल ड्राई फ्रूट हर जगह आपको वही मिलेगा। और ये 100% प्योर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 100% प्योर। तो बहुत फेमस है ये जगह, यहाँ पर केसर का या जो भी है सबका फार्मिंग होता है ड्राई फ्रूट का, तो वो भी मैं आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा रुके थे बाथरूम में तुम करने के लिए, चलिए अभी आपको खेत दिखाते हैं। यहाँ के सबसे स्पेशल चीज़ होता है सैफरन, सैफरन पूरे इंडिया में खाली इसी तरह निकलता है। कश्मीरी सैफरन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है सर, क्योंकि इसका मिर्चों में जो सबसे हाई रहता है। क्या सुंदर है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। कश्मीरी केसर के लिए होता है, एंटी कैंसर के लिए अच्छा रहता है, सिकिम के लिए अच्छा रहता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है। 250 रुपए किलो, 2,50,000 रुपए किलो, 2,50,000 रुपए किलो। शूज है 80,000 के, जाएंगे पूरा। हाँ वो भी वो कैसे उसमें, इसमें भी वेराइटीज है, वो 450 वाला भी है, 600 वाला भी है हमारे पास। तो गाइस हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और दीदी कुछ लिया, मैं तो कुछ नहीं लिया क्योंकि इतना पैसा नहीं था मेरे पास, क्योंकि इसमें मेरा घर जाएगा। और आप अभी जो दोनों साइड का एरिया देख रहे हैं, दोनों साइड में जो खाली है वहाँ पर पूरा एक जब सीज़न होता है तो वहाँ पूरा फार्मिंग होता है केसर का, दोनों साइड में पूरा फार्मिंग होता है। तब वो फार्मिंग को जो सेव करने के लिए वहाँ पर आर्मी गार्ड को भी लगाया जाता है, मैं ऐसा सुना है। और अभी हम लोग पहुँच गए श्रीनगर अपना स्टे, जहाँ पर हम लोग अभी रेस्ट करेंगे, पूरा सोएंगे। तो चलिए अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, एक रूम में जाके फटाफट। तो गाइस मैं फाइनली आई श्रीनगर, अभी पहुंच गया था। और अभी टाइम आप देख सकते हैं 5:30 रहा है, तो थोड़ा देर बाद रात होने वाला है और हम लोग को ऑलमोस्ट 6 आवर्स से ज़्यादा ही लगा आने में। तो मैं अभी फ्रेश होने जा रहा है, फिर